आपके भाई इतने शरीफ हैं नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम इस लड़की की खातिर अपने सगे भाई पर शक कर रहे हो? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा भाईजान, आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। देख नसरीन, सच सच बता दे, कहां से आई है दुकान, किसको फंसाया तूने? अरे है कोई अमीरजादा, तुझे मिल सकते हमें नहीं मिल सकते क्या? अगर तूने मेरी इज्जत को तार तार किया ना तो एक मिनट में तुझे फौरन कर दूंगा तलाक देके। वाह, सारी जिंदगी हाथ से ही कपड़े धोता है, मशीन मशीन का तो नामो निशान भी नहीं था, और तूने ये जहेज की लिस्ट में वॉशिंग मशीन का नाम डाल दिया है? भाई जरूरी चीज है ना, कपड़े होते जूते होते, ये चीजें नहीं मशीन। अरे पुप्पो, तेरी बेटी है, अपनी खुशी से जो दिल चाहे दे दीजो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब काम वाम तो फिलहाल है नहीं, कुछ हुआ तो जरूर बता दो। खाओ खाओ खाना खाओ। वैसे पुप्पी अम्मा, अभी तो तू कह रही थी तेरी लाडली का माती नहीं है, पैसे नहीं होते इसके पास, लेकिन देख तो पल्लू में से क्या निकला इसके। पैसे कहां से आए, ये तो गांव के आए 2-4 हजार नहीं लग रहे। बुढ़िया ला, ये मेरे पैसे हैं ना, सच सच बता, मेरे पैसे लिए ना तूने? अरे अम्मा, तुमसे तो मांग रही थी कब से, अब ले लिए तो तुम्हें फौरन लग गई। चल दे दे मुझे वापस, तेरे जहेज के लिए जोड़ जोड़ के रखती हूँ मैं, बहुत मारी कहीं की। खाना तो हो गया भाई मेरा पूरा, जा रही हूँ मैं अंदर, एक मग्गा चाय का कमरे में भिजवा दीजिए। अच्छा हाँ हाँ, अभी लाती है चाय। क्या बात है, परेशान क्यों, और खाना किधर? हाँ मैं खाना लेने गई थी, लेकिन किचन में कुछ खाने के लिए है ही नहीं। अरे बीवी तो जाए भाड़ में, आप तो इस घर के बेटे हैं ना। कुछ भी नहीं पका तो क्या घर में सब भूखे सो रहे हैं? पता नहीं, जुनेद भाई और एमन बाहर गए थे खाना खाने, बाकी सब लोग भी खाना खा के सो गए। अगर जुनेद भाई और एमन बाहर जा ही रहे थे तो कम से कम एक बार एमन आपसे पूछ लेते, शौहर हैं आप उनके, पूछना उनका फर्ज है आपसे। पर नहीं जी, क्यों पूछेंगी वो आपसे, बैग उठाया और चली गई। अब क्या मैं भूखी सोऊं? वैसे आप इससे तो अच्छा है ना कि इस घर की पूरी जिम्मेदारी आप मुझ पर डाल दें, कम से कम वक्त पे घर पे खाना तो पकेगा। ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं बाहर से मंगवा लेता। आहत, मुझे आपकी फिक्र है, अपनी नहीं। मुझे पता है कि आप रात का खाना जरूर खाते हैं, और अगर ये बात मुझे पता है तो ईमन को भी तो पता होगी ना। अभी मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता। पता है मुझे, सब लोग यही चाहते हैं कि मैं अगर इस घर में हूं तो इस घर के सारे काम मैं करूं। तो ठीक है ना फिर आहत, कल सबके सामने आप बना दे मुझे इस घर का सरबरा, दे दे मुझे सारी जिम्मेदारियां, फिर सबको समझ आ जाएगा। अच्छा अच्छा रवि, काम डाउन, रिलैक्स, मैं खाना बाहर से मंगवा लूं। अच्छा अच्छा, आजादी चाहिए बस इमन को और कुछ नहीं, फिर चाहे किसी गैर मर्द के साथ भी बाहर चली जाए। कोई पूछने वाला तो नहीं है। अब मुझे ये बताइए खाना कब आ रहा है? बस आधे घंटे। ठीक है।
सारा, एक बात पूछूं तुझसे? जी। ये जो तेरी दादी है सौतेली है क्या? चार चार नौकर है घर में, फिर भी तुझसे गधों की तरह काम कराती है, बुरा नहीं लगता तुझे? दादी को लड़कियां नहीं, लड़के पसंद है। तो वो जो बहू भी आगे लाई है वो भी तो औरत ही है ना? तो बहू भी तो पोते की ही लालच में आई है, पोती देख के तो बहू भी दिल से उतर गई। छोड़ इसे। और तेरी पढ़ाई? वो तो कब की छुड़वा दी दादी ने, ये बोल के कि डॉक्टरी पे पैसा जाया करने से बेहतर है कि हरदारी सी को शादी करो और अपने ससुराल चली जाओ। तू डॉक्टर बनना चाहती थी, छुड़वा दिया? मेरी छुटकी भी। सारा दिन घरों की तरह काम करती है, गुस्सा नहीं आता तुझे? गुस्सा तो जब आएगा ना, जब कोई सुनने वाला हो। माँ सुनती भी है तो कुछ नहीं बोल सकती, दादी का बस नहीं चलता, मुझे जहर देके मार दे। कुछ कहती क्यों नहीं है, बोल ना कुछ। बस तब उन्हें कोई सुन लेगा, और अगर दादी ने सुन लिया तो एक हंगामा खड़ा हो जाए। वरना तो मेरी किस्मत में ही लिखा है कोई सुनने वाला है जिससे अपने दिल की बात कहूँ। अच्छा सुन, कोई नहीं सुनता ना तेरी माँ तो सुनेगी, उससे बात कर। अगर तू कहे ना तो मैं तेरी माँ से बात करती हूँ। हाँ, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस घर में वही होता है जो मेरी सास चाहती है, उनका फैसला कोई भी बदल नहीं सकता। इस घर में औरत को पैरों की खाक समझा जाता है। हम तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। कि तेरी सास किस दौर में जिंदा रह रही है? अरे बीबी, अब ऐसा नहीं होता कहीं पे भी। तेरा मियाँ कमाता है ना, तो फिर बोलती क्यों नहीं है? खड़ी हो जा अपने लिए, और देख अगर अगले को ढेर करना है ना तो पत्थर बनना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, और मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, तुम अपने काम से काम रखा करो, हमारे घर के मामलात में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, समझिए तुम। और तुम यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हें मैंने कहा था ना कि मेहमानों ने आना है, वो तो चलो अपने कमरे में जाओ, मेहमान आने वाले, जल्दी छापा शुरू। आप फिक्र मत करो, मैं मेहमानों को समझ नहीं आऊंगी। खाम खाई की बातें मत किया करो इसके साथ, दिमाग खराब हो जाएगा। वो बच्ची है बाजी। बच्ची है लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी का पता है ना, काम करने आई हो काम किया करो, बस मशवरे देने की जरूरत नहीं है। जाने कैसे पत्थर दिल लोग हैं, छोटी सी बच्ची पे इतना जुल्म करते हैं, मेहमानों के सामने भी जा सकते हैं। आपने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब? तलाक वाली। तलाक लेके मैं क्या करूंगी? मेरे अगर अब्बा को पता चल गया कि मैं आजाद हो गई तो वो फिर से कोई नया मुर्गा ढूंढेगा और मुझे बेच देगा। अच्छा, आपके अब्बा ये काम भी करते? हैरत है, सगी बेटी है ना आप उनकी? कहने को तो सगी हूं, मगर अगर सौतेली भी होती तो बेच देता। अगर आप खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगी तो कैसे गुजारा होगा? शायद खुदा इस इम्तिहान के बाद कोई अच्छा वर दे दे, उसकी जात से ना उम्मीद क्यों हो रही है? डर लगता है मुझे। किससे? शादी से? किसी भी इंसान के बारे में सोचने से। क्या हुआ है?
कुछ नहीं, समझा रहा था इसे कि तलाक ले ले अपने शौहर से, कब तक उसके नाम पर इसी तरह बैठी रहेगी। क्या? क्यों, क्या मैंने कुछ गलत समझाया उसे? मतलब नीली अगर अपनी जिंदगी जीना चाहती है तो इसमें बुराई क्या? ये नीली ने खुद बोला कि वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है। अरे पप्पू, हर लफ्ज को जबान की जरूरत नहीं होती, चेहरा ही दिल का आईना होता है जो सामने वाले से सब सच कह देता। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ और कह रहा है। क्या? यही कि कहीं तेरे दिल में नीली का ख्याल तो नहीं। तुम्हारी खामोशी मुझे हाँ का इशारा दे रही है इमरान। दिल पे किसका जोर चलता है पप्पू? संभाल अपने दिल को, ये नामुमकिन है। क्यों क्यों अपने आप को एक अजियत में डाल रहा है? उसका ख्याल दिल से निकाल कर भी अजियत में ही रहूंगा पप्पू। और आप मुझे बताएं इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो किसी की बीवी है। वादा है पप्पू आपसे, इज्जत से अपनाऊंगा उसे, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि नीली को उसके हिस्से की खुशियां मिले, वो भी हंसी खुशी जिंदगी गुजारे? बस एक ख्याल रखना इमरान, कि उसे किसी भी बात से कोई तकलीफ ना हो। आप बहुत अच्छी हैं पप्पू, बस आपको मेरा एक काम करना, नीली को इस बात पर तैयार करना है कि वो खुला के लिए अदालत चली। वैसे मजा तो बहुत आया होगा आहत के बगैर, मौके का भरपूर फायदा उठाया तुमने। तुम एक काम करो, एक बार साफ साफ ही बता दो कि साबित क्या करना चाहती हो। यही कि तुम अभी भी आहत की बीवी हो। ये बात मैं नहीं भूलूं, और डोंट वरी, ये बात मैं भूलूंगी भी नहीं। लेकिन आहत तो तुम्हें भूल चुका है। बस एक बात बताऊं तुम्हें, मैं बताई देती हूँ, आहत के सामने ना थोड़ी एहतियात किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका शक यकीन में बदल जाए। कैसा शक? फिर शक तो किसी भी बात पे हो सकता है, नहीं तुम्हारे और जुनैद भाई के अकेले जाने पर भी हो सकता है शक। अपनी फजूल बातें अपने पास रखो, मर्जी है तुम्हारी, फिर मत कहना कि खबर ना हुई। वैसे कल रात को घर पे खाना नहीं बना था तो आप मुझे कह देती, मैं खाना बना देती। और अगर आपको जाना ही था तो कम से कम आहत को एक मैसेज करना चाहिए था आपको। कहाँ गई थी? छोड़े ना आहत, आपको क्या जरूरत है पूछताछ करने की? डिनर पे। किसके साथ? जाहिर है तुम तो नहीं थे, जुनैद भाई के साथ गई थी। मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म तो तुम कर सकती थी ना, ताल्लुक खत्म हुआ है हमारा, रिश्ता नहीं। तो जुनैद भाई कोई गैर नहीं है कि मुझे तुम्हें बताना पड़े, और वैसे भी अगर तुम अपनी आंखें खोलो ना इस घर में तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है। एमन तुम्हारे लिए भाई साहब गैर नहीं है? तुम मेरे शौहर हो और वो मेरे शौहर के भाई है, ना मुश्किल नहीं है रिश्ता समझना। शौहर के हैं वो, शौहर नहीं है वो। और मेरी बात तुम कान खोल के सुन रहे हो, आज के बाद तुम किसी के साथ कहीं नहीं जाओगी। एक सेकंड, क्या तुम अपने भाई पे शक कर रहे हो? जितना मैंने कह दिया सो कह दिया, समझ लो मेरी बात को। इस घर में हर कोई अपनी मर्जी से रहता है, तो मिस्टर आहद मैं भी अपनी मर्जी कर सकती। जिसको भी कोई मसला है वो इस घर से जा सकता है।
प्यारे कपड़े हैं। इतने सारे पैसे? नहीं नहीं गुड़िया, ये तेरे नहीं रखते। ऐसे सुनहरे मुंह के बार बार नहीं आते। अबे तू यहाँ क्या कर रही है भाई? वो मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? शाबा चाचा, मेरी सोने की अंगूठी खो गई, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। और अगर नहीं मिली ना तो अम्मा मुझे जान से मार देंगी। सोने की कहाँ रखी थी, अच्छी तरह याद कर। वो तखत पे रखी थी, पूरे 5,000 की थी। अच्छा तू यहीं तलाश कर, मैं उधर तखत की तरफ देखता हूँ। लालच बुरी बला है। आहर, आप आए ना नाश्ता करें, कोई फायदा नहीं होगा ये सब करने का। चले नाश्ता करें। मुझे आप सबसे बात करनी है, बहुत जरूरी। राबी चूंकि मेरी बीवी है, मेरी बीवी होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी राबी संभाले। जो कुछ भी होगा इस घर में वह सिर्फ और सिर्फ राबी की मर्जी से होगा। Have I made myself clear? I don't think so. अगर वो तुम्हारी बीवी है तो मैं भी हूँ, सारे हक उसके ही नहीं है। अच्छा तो बीवी होने का कौन सा हक अदा किया तुमने? और अगर किसी को मेरे फैसले से एतराज है तो वो इस घर से जा सकता है। आहा नाश्ता नहीं करना मुझे। पंद्रह मिनट में टेबल से नाश्ता उठा लिया जाएगा, तो आप लोग जल्दी नाश्ता करें। वैसे तो किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं ये मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल आपके लिए आज दोपहर का खाना आप पकाएं। देखा आप लोगों ने, तुम्हारे सर पे नाचने लग गई है, मैंने कहा था ना। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखें, इस वक्त आज से लड़ना हमारे फेवर में नहीं है, नुकसान हम ही लोगों का होगा। इस राबी ने तो पता नहीं किस तरह आहत को अपने कब्जे में कर लिया और खुद को बेचारा साबित कर दिया। तो हमारी बेचारगी नहीं नजर आ रही उसे? क्योंकि राबी उसे देखने नहीं देती। आप लोगों को पता है इस वक्त आहद हमें अपनी आंखों से नहीं राबी की आंखों से देख रहा है, इसीलिए तो हम लोग बुरे लगने लगे उसे। ये घर से बाहर का नहीं है, इस तरह से कैसे अपना फैसला सुना के जा सकता है? ये फैसला राबी का है, आहद का नहीं है, जिसके हम सब ताबे हैं। मैं नहीं, और वो होती कौन है इस तरह से हम पर हुक्म चलाने वाली? शायद आप भूल रही हैं, वो भी आहत की बीवी है। अब मैं बात करती हूँ आहत से। कोई जरूरत नहीं है, अब आहत से कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूँगी, उससे मेरी बात सुननी पड़ेगी।